नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास का हमारा ये कोर्स, जो कि हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 11, जो ओल्ड एनसीईआरटी है मिस्टर राम शरण शर्मा आरएस शर्मा साहब की। उस एनसीईआरटी के माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास के हमारे इस कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे कंफर्म कर दे पहले कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे एक बार बता दें कि आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है और हम सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, सभी को प्रणाम। आ रही है आवाज़ ठीक से? ऑल क्लियर? ठीक है। देखिए, कई सारे बच्चे कह रहे थे कि पहले हमारे जो लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम वाला सीरीज चल रहा है उसको पूरा कर लेते, तो स्पेक्ट्रम तो पूरा होने वाला है लेकिन लक्ष्मीकांत को पूरा होने में समय लगेगा। तो अब आपको जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ऐसे ही कुछ बच्चों को प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, किसी को आपदा प्रबंधन पढ़ना है, तो इतना उनको वेट ना करना पड़े। इसलिए बीच बीच में हम लोग सभी सेशंस करते रहेंगे ताकि सभी की तैयारी एक साथ चल सके। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है वो आप सभी लोगों की सहायता करना है, सिर्फ कुछ लोगों की सहायता करना नहीं है। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम बीच बीच में सभी सेशंस हमारे करते रहेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस सेशन को लाइक कर दें। आप यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो इस सेशन को लाइक करना ना भूलें, और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर करें। ठीक है, जितने लोगों के साथ आपको लगता है ज़रूरी है या उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उतने लोगों के साथ, उतने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जहाँ चाहें आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, UPSC विद चंचल कुमार सर। ये जो हमारा चैनल है YouTube चैनल, ये आप लोगों की पढ़ाई के लिए, आप लोगों की तैयारी के लिए बनाया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। और टेलीग्राम पर मिलेगी आपको PDF। टेलीग्राम चैनल का नाम है चंचल कुमार सर ऑफिशियल। टेलीग्राम पर आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल बड़े आराम से मिल जाएगा, जहाँ पर पुराने सेशंस की और बहुत सारे PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इससे पहले कि आज के सेशन की शुरुआत करें, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार दिल से धन्यवाद, आभार। इतने कम समय में आप सभी के सहयोग ने इस चैनल को 20,000 के सब्सक्राइबर्स तक के मुकाम तक पहुंचा दिया है। ये एक ऐसा अहम पड़ाव है जो मैंने इतने कम समय में पूरा हो जाएगा नहीं सोचा था, बट आप लोगों ने जिस तरीके से इस चैनल को, इस चैनल के साथ साथ मुझे और हमारे सभी सेशंस को, सीरीज़ को सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, उस सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि ये जो 20,000 है ये सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव होगा और आगे हम अभी और बहुत सारे हमारे इस परिवार में लोगों को जोड़ेंगे और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया 20,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आप सभी लोग थोड़ा सा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ यही आती है कि वो ये तो देखते हैं कि क्या पढ़ना है, सिलेबस में हमें क्या क्या देख पढ़ना होता है, क्या क्या पूछा जाता है, अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ उन्हें एक बात और समझनी होती है कि उन्हें वो क्यों पढ़ना है। कई बच्चों को इतिहास के बारे में आप पूछो तो उन्हें पता है, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि इतिहास क्यों पढ़ा जाता है या UPSC के सिलेबस में इतिहास क्यों रखा गया है, वो ये नहीं जानते। सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले हमेशा ये जानिए कि आपको वो काम क्यों करना है, उस काम को करने से क्या फ़ायदा होगा, वरना उस काम को मत करिए। क्योंकि जब तक आप किसी भी काम को करने के पीछे के मकसद को नहीं जानते, उद्देश्य को नहीं जानते, तब तक आप उस काम को कभी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और न ही समझ पाएंगे।
हम इतिहास की बात करते हैं। मैंने कहा था कि मैं एकदम फाउंडेशन के साथ इस क्लास को शुरू कर रहा हूँ, एकदम बेसिक के साथ, ताकि वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है वो भी इस सीरीज से फ़ायदा उठा पाए। तो इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। इतिहास को पढ़ना कई लोग समझते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का नाम है। क्यों पढ़े, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, पर ऐसा नहीं है। इतिहास को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यदि आप जब इतिहास को पढ़ते हैं समझते हैं तो आप ना सिर्फ भूतकाल को समझते हैं बल्कि आप वर्तमान को भी समझते हैं। कोई भी चीज़ जो आपके सामने वर्तमान में है वो ऐसी क्यों है, इसके लिए आपको इतिहास में भूत में जाना ही पड़ता है। वर्तमान में आप भारत में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे तो आपको हमेशा दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्यों होता है, हमारे ही साथ क्यों। जब आप दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर तो इतने सारे धर्म नहीं हैं, वहाँ पर इतनी सारी जातियाँ नहीं हैं, विविधताएँ नहीं हैं, भाषाएँ नहीं हैं, खान पान और रहन सहन नहीं है, तो फिर भारत में ऐसा क्यों है, भारत को क्यों विविधताओं का देश कहा जाता है, भारत में लोग इतने सारे अलग अलग प्रकार के क्यों हैं, भारत में इतने सारे धर्म, जाति, भाषा, रहन सहन, खान पान वाले लोग क्यों हैं, इसके लिए आपको इतिहास को जानना ही पड़ेगा, वरना आपको कभी पता नहीं चलेगा कि हम ऐसे क्यों हैं। इसके साथ साथ इतिहास आपको ये भी बताता है कि किस चीज़ का क्या महत्व है। हर साल आप लोग दिवाली मनाते हैं, हर साल ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, अभी दो दिन पहले क्रिसमस गया, आप क्रिसमस मनाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, तो आपने बचपन से जब ये त्यौहार मनाने शुरू किए होंगे तो आपके मन में पहली जिज्ञासा ये आई होगी कि हमें ये त्यौहार क्यों मनाने हैं, या ये त्यौहार कब से शुरू हुए, या कौन से ऐसे समय में ये त्यौहार शुरू हुए जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी या नहीं हुई थी, या ये त्यौहार जब हमारे यहाँ पर आए तो इनके पीछे क्या कारण थे, किन चीज़ों को लेकर हमने ये त्यौहार शुरू किए। जैसे दिवाली है, तो दिवाली जब हम मनाते हैं तो हमें पता चलता है कि दिवाली मनाने के पीछे कारण क्या है, या कब से हमारे यहाँ पर दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा है, दिवाली मनाई जा रही है, तो वही चीज़ समझने के लिए इतिहास में जाना पड़ता है। घर में कई बार आपने देखा होगा कि हमारे माता पिता कुछ पुरानी चीज़ों को बड़े संभाल कर रखते हैं, सहेज कर रखते हैं, और जब हमें नहीं पता होता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आप इन पुरानी चीज़ों को इतना क्यों संभाल कर रख रहे हो, आखिर क्या खास बात है इनमें, तब वो आपको बताते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, या हमारे खानदानी निशानी है, हमारे माता पिता की निशानी है, या हमें विरासत में मिली हुई है, तब जाके हमें उनका महत्व समझ में आता है। अगर आप देखिए वर्तमान में भारत में कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं, और उन सभी की जड़ें आपको इतिहास में मिल जाएंगी। जैसे जातिवाद, भारत में आज भी जातिवाद, छुआछूत जैसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, इसके पीछे आप देख सकते हैं कि इतिहास में इसके बीज छिपे हुए हैं। भारत में महिलाओं के साथ बहुत बड़ा, आपको पता है कि भेदभाव किया जाता है, कई सारे लोग उस तुच्छ मानसिकता के शिकार हैं कि महिलाएं जो है सिर्फ घर के अंदर रहने के लिए बनी हैं, घर का काम करने के लिए बनी हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि महिलाओं के साथ भारत में ये भेदभाव क्यों है, कब से हो रहा है? क्योंकि दुनिया के दूसरे बड़े बड़े विकसित देशों में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर महिला पुरुषों में ऐसा भेदभाव नहीं है जैसा हमारे देश में, वो हमारी तरह पुरुष प्रधान मानसिकता के शिकार नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसीलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं और जानते हैं। इतिहास को जानने के बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और इससे दो चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। पहली, कि अगर जो कुछ भी गलत है वर्तमान में तो पीछे जाके समझिए कि वो क्यों हुआ, ताकि हम उसे सुधार सकें, और जो चीज़ अच्छी है तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ से शुरू हुई है और किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाना है, जैसे हमारे पूर्वजों ने उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे सेशन की। प्राचीन भारत का जो इतिहास है, आप सभी जानते हैं कि UPSC जो है आपसे GS का जो पेपर 1 है हमारा मेंस का, उसमें इतिहास पूछता है, जिसमें आप सभी लोगों से प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास भी पूछा जाता है। तो हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को आप जो है विभाजित कर सकते हैं 3 भागों में, इसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे बांटा जा सकता है, देखिए सबसे पहले वाला काल जो है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, मतलब सबसे पुराना समय। उसके बाद में आता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल उसके बाद का या बीच वाला समय है,
और उसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल या हमारा सबसे बाद वाला प्राचीन भारत या जिसके बाद में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो गई। ठीक है, इस प्रकार से पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। अब ये जो तीन भागों में हमने बंटवारा किया है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पर ये बंटवारा किस आधार पर किया गया, किस काल को प्रागैतिहासिक कहेंगे, किस काल को आद्य ऐतिहासिक कहेंगे और किस काल को हम लोग ऐतिहासिक कहेंगे, ये विभाजन भारत में किया जाता है लिपि और लेखन प्रणाली के आधार पर। आप लोग सभी जानते हैं कि आज हम लिखना पढ़ना जानते हैं क्योंकि अब तो हम काफ़ी सुसभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, सुविकसित हैं, तो हम लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, हमारी भाषा है, हमारी लिपि है। तो पहले के ज़माने में जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी तब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, लेकिन उस काल का इतिहास भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई। आप सब बचपन से पढ़ते आए होंगे स्कूलों में कि पहले आदिम मानव का काल हुआ करता था जो शिकार करके खाया करता था, कंदराओं में गुफाओं में रहता था क्योंकि कोई स्थायी निवास नहीं था, शिकार के लिए एक से दूसरे जगह पर भटकता रहता था, तब कोई आग नहीं हुआ करती थी जो वो पका के खा ले तो वो कच्चा ही मांस खाया करता था, तब वो खेती नहीं किया करता था, जो भी उसे ज़मीन से भूमि से प्राप्त होता था वो ले लिया करता था और इस प्रकार का वो खानाबदोश जीवन बिताया करता था। फिर एक समय के बाद ऐसा आया कि वो आदि मानव थोड़ा सा एक जगह पर टिक कर रहने लगा, स्थायी रूप से रहने लगा, घर बनाने लगा। क्यों? क्योंकि वो खेती करने लगा। जब खेती करते हैं तो आपको एक स्थान पर कुछ समय तक रहना होता है, अब वो पशुपालन के साथ साथ खेती करने लगता है, धीरे धीरे एक के बाद एक कई सारे और घर आसपास बनने लगते हैं और वहाँ पर बस्ती की एक शुरुआत होती है और इस तरह से मानव बस्ती आ गई। फिर मानव बस्ती के साथ साथ और आगे बढ़ते हैं तो फिर एक गाँव आ गया, जब गांव आया तो दूसरा गांव आया और फिर तीसरा गांव भी आया, फिर एक दूसरे से विवाद भी होने लगे, लड़ने लगे, एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करने लगे, तो रक्षा और सुरक्षा का मैटर आया और जब रक्षा सुरक्षा का मैटर आया तो उन्होंने अपने बीच में से किसी को राजा चुन लिया और इस प्रकार से राजा का ये उत्तरदायित्व हो गया कि वो अपनी बस्ती की, अपने गांव की, अपने लोगों की सुरक्षा करे और उसे शक्ति दी गई, बदले में उसे धन भी दिया गया और इस तरह से राजतंत्र की शुरुआत हुई। बाद में वही राजतंत्र बढ़ता चला गया और वो बस्ती, वो गांव बड़े बड़े नगर बन गए और नगर से महानगर बन गए और इस तरीके से आप देखेंगे कि बड़े बड़े राजतंत्र जो है उस काल के वो एक प्रकार से क्या हो गए, बहुत बड़े साम्राज्य में तब्दील हो गए और इसी तरह से इतिहास आगे बढ़ता है। परिवर्तन संसार का नियम है, लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान में जो आज आप देख रहे हो कई सारी चीज़ें तो प्राचीन काल से भारत में चली आ रही हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो हमने बाद में ऐड की हैं, जैसे कि टैक्स, कर, आज आपसे भारत सरकार इनकम टैक्स लेती है, GST लेती है, कई प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हम भारत सरकार को देते हैं और इसी से हमारी इकोनॉमी चलती है, इसी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये सबकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले किसने कर लिया होगा, कैसे लिया होगा, टैक्स लेने की शुरुआत कहाँ से हुई या टैक्स क्यों लेना शुरू किया गया, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? इसीलिए हम प्राचीन जो है काल में जाके उनके समय की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें वर्तमान अर्थव्यवस्था समझ में आए। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आपके सामने एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, एक मंत्रिपरिषद है, एक भारत सरकार है जिसे हम लोकप्रिय सरकार के तौर पर जानते हैं, एक विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये तो संविधान आपको ये सारी चीज़ें देता है, पर क्या कभी सोचने की कोशिश की है कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या मनुष्य के पैदा होते भारत में कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा? नहीं था। तो क्या था, ये लोकतंत्र कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में शक्तियों का बंटवारा है वो कब हुआ, कैसे हुआ, पहले होता था कि नहीं होता था? तो आपको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था समझने के लिए भी इतिहास में जाना पड़ता है। इसके साथ साथ आप देखिए सामाजिक, भारत में आपने देखा होगा कि हम वो एक सामाजिक प्राणी है, सोशल लाइफ हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। समाज, हर बात में आपने सुना होगा ना, घर वाले शब्द बार बार यूज़ करते हैं, समाज क्या कहेगा, समाज क्या बोलेगा या समाज के लोग क्या सोचेंगे, ये समाज कहाँ से आया, इस समाज की शुरुआत कहाँ से हुई और कब ये समाज इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो गया कि हमारी हर एक चीज़ को निर्धारित करने लगा, कोई किससे शादी करेगा,
नहीं करेगा, चाहे वो किसी को भी पसंद करता हो, लेकिन वो शादी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचता है कि उसकी शादी के निर्णय से समाज क्या सोचेगा, यह समाज उसके परिवार के बारे में क्या कहेगा, ये समाज आया कहाँ से। क्या आपने जानने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो है इन चीज़ों की शुरुआत हुई? इन्हें जानना चाहते हैं तो इतिहास में जाइए। आज आप देखते हैं भारत में कई प्रकार के आपको धरोहर दिखाई देती हैं, कहीं पर आपको किले दिखाई देते हैं, कहीं आपको महल दिखाई देते हैं, कहीं आपको मंदिर दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, अलग अलग तरह के पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं। कब हुआ ये सब शुरू, कहाँ से हुआ? क्या मनुष्य ने पैदा होते ही जब पहली बार मनुष्य ने सांस ली होगी तो मंदिर तो नहीं होगा? ये धार्मिक चीज़ें कब से शुरू हुई, या वो ऐसी क्यों है जैसी वर्तमान में है? ठीक है, ये सब कुछ आप जानेंगे इतिहास में, इसलिए हम लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी होता है। जो कि मैंने भी आपसे कहा, वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं और स्टोरी की शुरुआत बीच में से होती है, और तब आपको बहुत जानने की उत्सुकता होती है कि ये ऐसा क्यों है, आखिर ये जो कैरेक्टर है ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्या हुआ था इसके साथ। तब वो आपको पास्ट में जाके बताते हैं बाद में कि इसके साथ क्या क्या हुआ था, तो फिर आपको समझ में आने लगता है। एक मूवी आपने देखी होगी, थ्री इडियट्स। उस मूवी की शुरुआत कहाँ से होती है? उस मूवी की शुरुआत होती है दो लोग, दो दोस्त या मित्र अपने किसी तीसरे मित्र से मिलने के लिए बेचैन हैं, मरे जा रहे हैं, और वो उससे मिलने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। और ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्या था कि वो उस व्यक्ति से मिलने के लिए इतने पगला रहे, इतना उससे मिलने के लिए वो उत्सुक है? धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और हमें समझ में आता है कि वास्तव में वो व्यक्ति जिसके लिए, जिससे मिलने के लिए ये मरे जा रहे हैं, इतने उत्सुक हैं, उस व्यक्ति में ऐसी कुछ खास बातें थी जो इनको खींच रही है। ठीक है, तो ये तीन तरह के हो गए, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक आप देखेंगे ना, तो प्रागैतिहासिक काल वो होता है कि उस काल के हमारे पास में साक्ष्य तो हैं, हमारे पास कुछ अवशेष हैं, सबूत हैं, लेकिन हमारे पास में क्या नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखा हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ जैसे आप देखोगे पाषाण काल, इसके हमारे पास क्या साक्ष्य, कुछ पत्थरों के औजार हैं, कुछ हथियार हैं, और इनसे हमने जो है इस काल के इतिहास को जानने की कोशिश की है। एक्चुअली इतिहास में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बहुत प्राचीन काल का अगर कोई इतिहास होता है तो उसके बारे में जानना मुश्किल होता है, क्योंकि उस काल की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, उस काल की हमारे पास में कोई फोटो नहीं है, उस काल का हमारे पास कोई लिखित विवरण नहीं है। किसी शायर ने, जहाँ तक मुझे ध्यान है, निदा फाजली साहब ने एक बहुत बढ़िया शेर कहा है, सांसें जितनी मौजें उतनी, सबकी अपनी अपनी गिनती, सांसें जितनी मौजें उतनी, सबकी अपनी अपनी गिनती, सदियों का इतिहास समुंदर, जितना तेरा उतना मेरा। यही चीज़ इतिहास को खास बनाती है कि हमें पता नहीं होता है कि प्राचीन काल में जो है किस प्रकार से चीज़ें चलती थी, तो हम लोग कुछ अवशेषों को, सबूतों को, साक्ष्य को इकट्ठा करके इतिहास को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल हो गया। आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिस काल के लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक है, जिस काल के साक्ष्य हमारे पास हैं लेकिन हम अभी तक उनके लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक बात तो आप सबको पता होगी कि इस सभ्यता के लोगों को लिखना पढ़ना आता था, ये पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन इनकी लिपि जो है, स्क्रिप्ट, वो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, और इसीलिए अभी तक हड़प्पा सभ्यता का एक व्यवस्थित इतिहास हम लोग नहीं लिख पाए हैं। जिस दिन इस लिपि को डिकोड कर लिया जाएगा, जिस दिन हम ये लिपि पढ़ने में सफल हो जाएंगे, उस दिन आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में हड़प्पा सभ्यता का एक नया इतिहास सामने आएगा। तो ये दूसरा काल हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, और इस सब के बाद में जो अंतिम इतिहास है प्राचीन भारत का, वो ऐतिहासिक काल का होता है, जिस काल के पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। मतलब हमारे पास कई सारे लोगों के लिखे हुए विवरण भी हैं, वो हम पढ़ भी पा रहे हैं,
और पुरातात्विक साक्ष्य जैसे उस काल के बर्तन हो गए, उस काल के औजार हो गए, उस काल के लोगों की उपयोग में आने वाली वस्तुएं हो गई, घर हो गए, किले हो गए, मकान हो गए, जो भी थे, ये सारा काल जो था ना, ये काल कौन सा है, ये काल है ऐतिहासिक काल। इस काल के आपके पास विदेशी यात्रियों के विवरण भी हैं, देशियों के भी विवरण हैं, साहित्यिक भी हैं कई प्रकार के, जैसे कई सारे इतिहासकारों ने, आपने सुना होगा कल्हण का नाम, कल्हण नाम के एक विद्वान ने राज तरंगिणी नाम का एक जो है ग्रंथ लिखा हुआ, एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी हुई है जो कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालती है। यदि आप कश्मीर का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए कल्हण की राज तरंगिणी। ललिता दित्य मुक्तापीड नाम के शासक के बारे में आपको पता चलेगा, कई लोग तो जानते ही नहीं है, कई लोगों को पता ही नहीं है कि कश्मीर में ऐसा भी कोई शासक हुआ है जिसका नाम ललितादित्य मुक्तापीड हुआ करता था, या कश्मीर की शुरुआत कहाँ से हुई, कश्मीर में कौन कौन से वंशों ने शासन किया, सब कुछ कल्हण की राज तरंगिणी में आपको मिल जाएगा। इसके साथ जब हम बाण भट्ट को पढ़ते हैं और बाण भट्ट की एक रचना है हर्षचरित, तो हमें हर्षवर्धन के काल के बारे में पता चलता है ना। तो इस तरह से ये वाला जो काल है वो ऐतिहासिक काल के तौर पर जाना जाता है। चलो ये तो बंटवारा हो गया, अब हम शुरू करेंगे हमारा पहला टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास का। कई सारे बच्चे बाद में, मुझे मालूम है, क्वेश्चन पूछेंगे कि सर पाषाण काल क्यों नहीं पढ़ाया, स्टोन एज नहीं पढ़ाया है, तो आप परेशान मत होइए, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो पढ़ने को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि पिछले कई सालों से वहाँ से किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और इससे अच्छा है कि हम अपना टाइम जो है उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो हमारे लिए पढ़ना उपयोगी है। तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता। आप जिस पुस्तक को मैं अभी इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारत के इतिहास की, आर एस शर्मा साहब की जो पुस्तक है ओल्ड एनसीईआरटी, इसमें चैप्टर नंबर 7 से हम लोग शुरू करेंगे। शुरुआत के 6 चैप्टर्स आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है, सो यू कैन स्कीप देम, है ना, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। शुरुआत हम करेंगे हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप सबको पता है, इसे कई नामों से जानते हैं, कई लोग इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, कई लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और कई लोग इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। दरअसल पहली बार कांसे का उपयोग हुआ, इसीलिए कांस्ययुगीन सभ्यता। पहली बार दुनिया में इतना बड़ा विकसित नगरीकरण दिखाई देता है, तो इसे पहली विकसित नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और क्यों नगरीय सभ्यता कहा जाता है, वही तो सबसे महत्वपूर्ण है जानना कि आखिर हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कैसे हो गया कि जहाँ पर विकसित नगर देखे जा सकते हैं। ये सभ्यता इतनी बड़ी थी कि वर्तमान में आप इसके अवशेष कई देशों में देख सकते हैं, ये सिंध में, पंजाब में और भारत के कई हिस्सों में आपको फैली हुई मिलेगी, बलूचिस्तान में, और भारत में तो आपको पता है कि गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश तक, जम्मू तक आपको ये पूरा के पूरा सभ्यता विस्तारित दिखाई देगी। लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, छोटा मोटा नहीं होता। इसके साथ फैली इतनी लगभग 1400 स्थल, कितने 1400 स्थल कम नहीं होते, मतलब इस सभ्यता से जुड़े हुए 1500 स्थल हमको दिखाई देते हैं। तो अपने आप में ये जो सभ्यता है हड़प्पा की, ये काफ़ी विस्तारित थी। वर्तमान भारत का क्षेत्रफल यदि आप देखें तो वो लगभग 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, ये उससे तो कम थी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कम नहीं थी। 20-22 लाख वर्ग किलोमीटर का जो मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, ये लगभग उसके आसपास ही है। तो इतना बड़ा आप सोचिए कि ये सभ्यता थी। कई इतिहासकारों का तो ये मानना है कि ये सभ्यता तो और भी पुरानी थी जितना हम मानते हैं, ये 8000 साल से भी ज़्यादा, ईसा से 8000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि इस सभ्यता के नगर कई बार बसे, उजड़े, फिर बसे और फिर उजड़ गए, मतलब इस सभ्यता में लगातार विकास और विनाश चलता रहा। आज भी दुनिया के लिए हड़प्पा सभ्यता एक अबूझ पहेली बनी हुई है। इसका कारण यह है कि इस सभ्यता में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, नहीं वैसे आपने पढ़ा होगा ना 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन कई लोगों का मानना है कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास तक इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वो फैला हुआ था। तो इस सभ्यता के बारे में मैं आपको ये कह रहा था कि अबूझ पहेली बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? दरअसल इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक तो जो लिपि है वो हम नहीं पढ़ पाए हैं,
हमें जो अवशेष मिले हैं उससे हमने इतिहास को लिखने की कोशिश की है। फिर दूसरी बात यह है कि अभी भी हमें ऐसा लगता है कि इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी हमको नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि आप पढ़ते हैं कि ये वाला स्थल सबसे पुराना था, फिर कहीं से कोई नया स्थल निकल के आता है तो पता चलता है कि नहीं, ये उससे भी पुराना है। तो अभी भी पूरी तरह से पिक्चर जो है क्लियर नहीं हुई है और इस दिशा में काम चल रहा है। लेकिन हम ही वही बात करने वाले हैं कि ये जो सभ्यता है इसके बारे में जो जो हमें पता चल चुका है उससे हमने एक थ्योरी बनाई है और उसी को आपको समझना है। समझना क्यों ज़रूरी है? समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए कि जब हम बात करते हैं कि पूरे मोहल्ले में सबके पास में गाड़ी है, ठीक है, फोर व्हीलर है, किसी के पास में मर्सिडीज़ है, किसी के पास में ऑडी है, किसी के पास BMW है, हो सकता है कि किसी के पास फेरारी भी हो और छोटी मोटी गाड़ियाँ भी हो। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि इन सब के पास तो अभी अभी गाड़ियाँ आई हैं। जब इनके पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में आपके दादाजी के पास में एक मारुति 800 हुआ करती थी। आपके पूरे मोहल्ले की नहीं, आपके पूरे शहर की पहली कार थी वो। लोग दूर दूर से देखने आते थे, उस कार के साथ फ़ोटो खिंचवाते थे। आपको गर्व महसूस होगा कि नहीं होगा कि ये तो अभी अभी अमीर बने हैं, इनके पास अभी अभी ये सारी चीज़ें आई। लेकिन हम पुराने समय से ही हमारे पास में कार थी, हमारे पास में ये सारी सुविधाएं थी, चाहे वो ऑल्टो ही क्यों नहीं है। और आपको तो ये बात पता ही होगा कि उस ज़माने में अगर किसी के पास ऑल्टो हुआ करती थी या मारुति 800 हुआ करती थी तो उसका जो क्रेज़ था ना, आज वो क्रेज़ लोगों को BMW और मर्सिडीज़ में भी नहीं आता। आज आपके आसपास से कभी कोई BMW या मर्सिडीज़ निकलती होगी ना तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे उसके ऊपर। पर पहले के समय में मारुति 800 जिसके पास होती थी ना, दूर दूर से लोग जो है सिर्फ उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए आते थे, ये क्रेज़ था। जिसके पास ये गाड़ी हुआ करती थी ना उसका अपना एक अलग मुकाम हुआ करता था। तो आज से हज़ारों साल पहले हमारे देश में ऐसी कोई सभ्यता थी जो नगरीय थी, विकसित थी और बहुत ज़्यादा विकसित थी उस काल के हिसाब से, इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इतने साल पहले उन्होंने वो सारी व्यवस्थाएं कैसे जुटाई होंगी। आज तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास संसाधन है, आज हमारे पास दुनिया भर का विज्ञान और तकनीक है, उसके बावजूद भी समस्याएं हैं। आज भी हमारे शहरों में आप देखो कि लोगों के घरों में पानी चला जाता है, बरसात में पानी आता है तो पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। हमारे शहर बदबूदार होते जा रहे हैं, अव्यवस्थित होते जा रहे हैं, अनियंत्रित होते जा रहे हैं। उस काल में लोगों ने कैसे अपने पूरे शहर में पर्यावरण के अनुकूल नगर नियोजन किया था, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग है कि कम संसाधनों में उन्होंने कैसे, किस तकनीक के माध्यम से ये सारी चीज़ें की थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत कहाँ से हुई, आप सब जानते हैं कि इसकी जो खुदाई है 1921 के आसपास, इससे पहले भी पता तो इसके बारे में चल ही गया था। ऐसा बोला जाता है कि 7वीं शताब्दी के आसपास पंजाब के लोगों ने ईंट बनाने के लिए मिट्टी खोदी तो सीधी ईंट मिल गई। अब उन्हें यह जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें मिट्टी चाहिए थी जिससे हम ईंट बना सके, पर अंदर से खोदने पर तो बनी बनाई ईंटें निकल रही हैं। हालांकि उस समय ज़्यादा उनके पास में संसाधन नहीं थे तो उन्होंने दिमाग भी नहीं लगाया, होगा कोई चमत्कार होगा, कई साल तक लोग इसे चमत्कार ही मानते रहे। फिर उसके बाद जब भारत में 1853 के बाद रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी तो रेलवे लाइन बिछाने के समय में भी वहाँ से ईंटें निकली, तब भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसके बाद में आप सब जानते हैं कि 1921 में उस समय के जो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल, लॉर्ड कर्जन को आप सब जानते होंगे, लॉर्ड कर्जन वही लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन वाले, तो लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को बनाया भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। उन्हीं के नेतृत्व में खुदाई हुई। पहले 1921 में दयाराम साहनी जी ने खुदाई की तो वहाँ से एक बड़ा नगर जो है नीचे से निकल के आया और उसे हड़प्पा के नाम से जाना गया, क्योंकि आपको पता है उस जगह का नाम हड़प्पा था और वो सिंधु घाटी के किनारे पूरा के पूरा मामला मिला, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हालांकि आगे तो और भी जगह आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग जगहों से हमें अलग अलग स्थल प्राप्त हुए हैं, तो इसका विस्तार काफ़ी था। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया
इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार कांसे का उपयोग हुआ, हड़प्पा के किनारे खुदाई हुई तो इसलिए हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, और सिंधु घाटी के आसपास ये सभ्यता शुरुआत में मिली थी तो इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। चीज़ वही है, नाम अलग अलग है। उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और विस्तार सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के अलावा मैंने आपको बताया कि सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ठीक है, मतलब ये अफगानिस्तान पाकिस्तान तक आपको मिलेगी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ही ऐसा है, आप सब जानते हैं कि इसका जो पूर्वी पश्चिमी जो छोर है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जाता है। इसका भौगोलिक विस्तार अगर आप देखें तो आपको मिलेगा उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में वहाँ आता है, ठीक है, वहाँ से लेके नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र में दाइमाबाद जो कि कहाँ है, अब देखो कहाँ महाराष्ट्र कहाँ जम्मू, बीच में कितना बड़ा इलाका आता है, मतलब ये वहाँ से यहाँ तक मिलती है। इसके साथ ही आप पूर्व पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम पूर्व में आपको मेरठ, आलमगीरपुर हूँ मेरठ में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वहाँ से लेके तो सुतका गेंडोर तक आपको ये पूरी की पूरी सभ्यता मिलाएगी। देखो मांडा से लेके नर्मदा नदी के मुहाने तक, दाइमाबाद तक महाराष्ट्र में, और पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेके आलमगीरपुर यूपी आप सब जानते हैं मेरठ तक आपको ये सभ्यता मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता आपने नहीं पढ़ी होगी, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे सब चीज़ें जानते हैं, पर समस्या क्या है ना कि वो सिर्फ रट्टा मार के बैठे हुए हैं। अभी उनसे अगर इंटरव्यू में पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों पढ़ के आए हो, क्या फ़ायदा है, या हड़प्पा सभ्यता को जानना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, वो नहीं पता। आप हमसे ये पूछ लीजिए कि पूर्व में क्या था, मेरठ था, आलमगीरपुर था, पश्चिम में क्या था, उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था, ये पता है, विस्तार पता है, किसने खोज की कब की ये भी पता है। इस तरीके से पढ़िएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ इन्होंने आप देखो इतनी बड़ी सभ्यता हमें दिखाई देती है, उत्तर से दक्षिण तक अगर आप देखें तो 1100 किलोमीटर का इसका विस्तार है और पूर्व से पश्चिम में लगभग 1600 किलोमीटर, मतलब ये जो विस्तार है ये ज़्यादा है, लगभग 1600 किलोमीटर का है और ये जो विस्तार है ये थोड़ा सा कम है, ये 1100 किलोमीटर में आपको मिलेगा। वर्तमान भारत से अगर आप देखें तुलना करके तो वर्तमान भारत उत्तर से दक्षिण जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3214 किलोमीटर हमारा देश जो है उत्तर से दक्षिण में आपको मिलेगा और पूर्व से पश्चिम में भी लगभग 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1600 और 2933 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 1100 और 3214 तो 1/3 यहाँ भी हो गया। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल में आप सब देख सकते हैं, ठीक है, ये पहली हुई थी। अभी तक उत्खनन और अनुसंधान द्वारा करीब 250 स्थल ज्ञात किए गए हैं, इतना सारा जो है जगह जगह पर आपको इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं और इस सभ्यता का अगर आकार देखें तो वो त्रिभुजाकार है। किस आकार में है, जो ट्रायंगल का शेप होता है ना ये आपको इस तरीके से मिलेगी, ठीक है, त्रिभुजाकार में मिल जाएगी। तो ये त्रिभुजाकार सभ्यता है जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर एग्जैक्ट बताते हैं, कुछ लोग 20-22 तक भी बताते हैं कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास, क्योंकि अभी भी हमें जो है मिलता जा रहा है इससे जुड़ा हुआ, कुछ न कुछ तो जगह हम खोजते जा रहे हैं। सबसे पहले कहाँ से पता चलता है, चार्ल्स मैसन 1826 में सेंधव सभ्यता का पता लगाया चार्ल्स मैसन ने। देखो भाई अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है तो एक चीज़ तो आपको अपने अंदर लानी होगी और वो है निरंतरता। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो है वो एक दो सेशन तक तो बड़ा जोश में रहते हैं और पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो आगे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते। मतलब आप सिर्फ किसी भी चीज़ को शुरू कर सकते हैं और उस चीज़ को बाद में आगे बढ़ाने में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, तो यही हमारी समस्या का जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि इसीलिए आपका सिलेक्शन भी रुका हुआ है। जब तक आप आखिरी तक उस उत्साह को बरकरार नहीं रखते तब तक कुछ नहीं। जैसे ये तो वैसी बात हो गई कि प्रीलिम्स आई है तो बहुत मेहनत से जोर शोर से पढ़ लिया, प्रीलिम्स निकाल लिया, अब मेंस आई तो फिर जोश ठंडा हो गया, अब कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेंस नहीं निकलेगा और प्रीलिम्स निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यदि आप
सेशन को देखते हैं ना, तो सेशन को शुरू से आखिरी तक देखिए, और दूसरी बात हर सेशन को देखिए। आप अगर इस तरीके से आधा अधूरा पढ़ते रहेंगे ना, तो आपके बच्चे हो जाएंगे तब तक भी आप पढ़ते ही रहेंगे, और आप हो सकता है कि दोनों साथ में तैयारी करो, है ना। पिताजी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बेटा जी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आप जीना नहीं चाहेंगे, है ना। तो ये 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया था इन्होंने, और इसका वर्णन उनके द्वारा, ठीक है, अपनी पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे थे 1921 में, सीधा आ जाओ 1921 में, दयाराम साहनी साहब जो हैं उनके जो है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो उस समय के महानिदेशक थे, सर जॉन मार्शल, जिनको लॉर्ड कर्जन ने इस पद पर नियुक्त किया था, उनके नेतृत्व में, क्योंकि लीडर तो वही थे, उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी साहब ने, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्खनन किया, और यहाँ से सबसे पहले खुदाई हुई हड़प्पा, जिस जगह पर खुदाई हुई वो जगह हड़प्पा थी, तो उसका नाम हमने हड़प्पा रख दिया। तो इस प्रकार से इस सभ्यता का नाम ही इस जगह के नाम पर पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। हो सकता है कि पहली बार खुदाई अगर कालीबंगा में होती तो इस सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता होता, राखीगढ़ी में होती तो राखीगढ़ी सभ्यता हो जाता, लोथल में होती तो लोथल सभ्यता हो जाता, पर चूंकि हड़प्पा में हुई तो नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। तो ये है शुरुआत, यहाँ से हम शुरू करते हैं। आगे ये खोज रुकी नहीं, क्योंकि उसके आसपास ऐसे और भी कई सारे इलाके थे जहाँ पर इसी प्रकार के हमको और ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा स्थल होने का अनुमान था। तो उसके बाद राज जॉन मार्शल जो है उन्हीं के निर्देशन में अगला नाम आपको याद रखना है, राखाल दास बनर्जी का। 1922 में, ठीक एक साल के बाद, एक और जगह की खुदाई हुई और वहाँ से भी इसी प्रकार का एक नगर मिला, और उसका नाम पड़ा मोहन जोदड़ो। कई लोग इसे मोहन जोदाड़ो कहते हैं। मोहन जोदड़ो की खोज भी हो गई। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के हमें दो बड़े नगर मिल गए। तब किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये सभ्यता इतनी बड़ी होगी, उन्हें लगा होगा कि बस इसके आसपास के गांव हमें कुछ मिले हैं। अब जब हम इसके काल की बात करते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानने में जिज्ञासा होती है कि ये कितना पुराना है, है ना। तो कैसे पता चलेगा? पुराने समय की चीज़ों को पता करने के लिए एक पद्धति है, रेडियो कार्बन 14, C14 भी जिसे कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा हम किसी भी वस्तु का काल पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल पता चल रहा है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कई लोग नहीं मानते ये बात, उन्हें लगता है कि ये तो बहुत कम है, ये तो 8000 साल पुरानी है ईसा से भी। कई लोग मानते हैं 8000 नहीं है, पर हाँ 3500 साल तो ईसा से कम पुरानी है। जो भी है, आपको यही याद रखना है, ठीक है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग काल मिलेगा आपको, यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी अलग अलग काल मिलेगा, पर इस पुस्तक में जो ऑथेंटिक रूप से दे रखा है वो दे रखा है 2500 BC से लेकर 1750 ईसा पूर्व, मतलब वर्तमान से अगर मैं देखूँ तो लगभग 4500 साल पहले, 2500 ईसा पूर्व, और 2023 अभी चल रहा है, तो 4500 साल पहले। और ये भी जो काल है ना, इस काल में भी तीन चरण आते हैं। ऐसा नहीं कि सभ्यता की शुरुआत से ही इतनी विकसित थी, पहले ये शुरुआती अवस्था प्राक हड़प्पा, फिर आता है विकसित हड़प्पा, जब ये सभ्यता अपने पूरे चरम पर थी, एकदम विकसित थी, फिर आता है पतन का काल उत्तर हड़प्पा, तो धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन होने लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। हालांकि हमारे पास और भी कई प्रकार के काल दिखाई देते हैं। ये सभ्यता 400-500 सालों तक रही, अगर आप इसी को सच माने तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 750 सालों का ये काल है, है ना। 1750 से लेके ईसा पूर्व, है ना, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, तो अगर आप देखें तो ये लगभग कितना होता है, लगभग 750 साल तक ये चली है, ठीक है। अब इस सभ्यता को हम बांट भी सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, शुरुआती अवस्था, फिर विकसित हड़प्पा, और फिर उत्तर हड़प्पा। एक समय ऐसा आया जब ये सभ्यता अपने चरम पर थी, पूरी विकसित थी, इसे परिपक्व अवस्था के तौर पर जाना जाता है, और ये काल माना जाता है 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 200-250 साल के आसपास ये सभ्यता विकसित थी इतने सालों तक, फिर धीरे धीरे जो है पतन होने लगा। नवीन शोध के अनुसार ये सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है, जो मैंने अभी आपको बताया।
अगर ऐसा है तो वास्तव में ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 8000 साल पहले इतना विकास होना, इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये अपने आप में असंभव तो नहीं, लेकिन असंभव के करीब होने जैसा ज़रूर है। तो ये नए नए शोध अभी हमारे इस संबंध में आ ही रहे हैं। और जो मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे बड़ी चीज़ है लिपि, एक बार लिपि जो है पता चल जाए तो फिर आपको बहुत सारे राज खुल जाएंगे, ठीक है। अब ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए चाइनीज में आपको एक प्रेम पत्र मिलता है। अब उस प्रेम पत्र में क्या लिखा है, चाइनीज पढ़ना तो आती नहीं है, तो उस प्रेम पत्र को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन उसमें एक हार्ट बना हुआ है। इससे आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये मामला थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का है, या ये मामला जो है थोड़ा सा अलग प्रकार का है। इस मामले में यहाँ कोई विवाद नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लिखने वाले ने बड़े प्रेम से इसको लिखा होगा या खुश होकर लिखा होगा। तो इतना ही हम समझ पाए हैं बस, हमारे लिए वो हार्ट जो है ना वही बस एक संकेत दे रहा है कि ये क्या है। एग्जैक्ट तो उस पत्र को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर लिखा क्या क्या है, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक चीज जो आप सब लोगों ने बड़े कॉमन तौर पर सुनी होगी कि नगरीय सभ्यता थी, ठीक है ना। नगरीय सभ्यता सीधी सी बात है कि ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें आपको नगर मिलेंगे। नगरीय सभ्यता मतलब वही कि नगर इसमें थे, और इसका ज्ञान हमें कैसे चलता है, पुरातात्विक अवशेष और अनुसंधानों से। जैसे आप लोग कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए रोड से आप एक से दूसरे शहर में जाते हैं और यात्रा करते हैं, तो बीच में अगर कोई शहर आता होगा तो आपको दूर से ही पता चल जाता होगा कि कोई शहर आया है। कैसे आया है, पक्की सड़कें मिलेंगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखने लगेगी, या अच्छा विकसित जो है वो आसपास का एरिया होगा, वहाँ आपको ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संसाधन और बड़े बड़े हॉस्पिटल और ये सब दिखाई देने लग जाते हैं। आप समझ जाएंगे कि कोई सिटी आ रही, कोई शहर आ रहा है, नाम क्या है बाद में पता चलता है, ठीक है। वैसे ही हमें पता चल गया है कि ये कोई शहर था, ये नगर थे, और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये नगर पर्यावरण के अनुकूल थे। अब ये समझना आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर उन लोगों ने, मैं 200-500 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं 4500-5000 साल पहले की। उस समय लोगों ने पर्यावरण को इतना महत्व दिया, उस समय उन्होंने ऐसे शहर बसाए कि जिनसे पर्यावरण को नुकसान ना हो। आज भी हम देखिए कि आज तो हमारे पास दुनिया भर की तकनीक है, विज्ञान है, संसाधन है, तब भी अगर हम लोग विकास करने जाते हैं तो विनाश हो जाता है ना। हम बात करते हैं बार बार क्लीन एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी की, हम बात करते हैं सेव द एनवायरनमेंट की, हम बात करते हैं जल संरक्षण की, है ना, और इस तरह की तमाम बातें आपको वर्तमान में मिल जाएंगे। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि दुनिया में पर्यावरण का नुकसान होता जा रहा है। हम इस तरह का भी विकास कर रहे हैं कि जो विकास कम और विनाश ज़्यादा दिखाई देता है। इन लोगों ने, तब तो कोई संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं था, तब कोई UNFCCC नहीं हुआ करता था, तब विश्व के देश ऐसे बैठ के प्रोटोकॉल नहीं किया करते थे। दुनिया भर के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये काटा जीना फलाना फलाना, ये सब नहीं हुआ करता था। तो उस काल में इन्होंने कैसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए चीज़ें की हैं, ये अपने आप में जानना इंटरेस्टिंग है। और इसमें इन्होंने जल निकास प्रणाली पर भी ध्यान दिया, ठीक है। जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली मतलब वही कि आप पानी जो है अपने शहर से, अपने इलाके से किस प्रकार से ऐसे बाहर निकालते हैं कि जिससे आसपास के लोगों को न तो कोई दिक्कत होती है, न गंदगी होती है, और न ही पानी जो है आसपास फैलता है। इस तरह की व्यवस्था इन्होंने की हुई है। सड़कें अच्छी बनाई हुई हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जैसे आप देखिए, एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है, और एक सड़क जो है यहाँ जा रही है। तो ये हो गया चौराहा, हमारे आमतौर पर आपने कहा स्क्वायर दिखाई देते हैं। तो ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है ना, ये सड़क ऐसे जा रही है, ये सड़क ऐसी आ रही है। तो इन्होंने इस तरीके की सड़कें बनाई। आज भी आप देखें कि भारत में कई जगह सड़क ही नहीं है, हम तो अभी भी नहीं बना पाए, तो उतने साल पहले इन्होंने सड़क कैसे बना ली थी। और सड़कें सिर्फ पक्की नहीं थी, सड़कें चौड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान के दो बड़े बड़े ट्रक एक साथ सड़क पर चल सकते थे, इतनी चौड़ी हुआ करती थी सड़कें, है ना। हमारे यहाँ कई बार आपने देखा होगा ऐसी सड़कें भी मिलती हैं आपको, जहाँ पर एक ट्रक आ जाए तो मोटरसाइकिल वाला नहीं निकल पाता, वो बाइक वाले को जो नीचे उतरना पड़ जाता है। ऐसी भी सड़कें हमारे यहाँ कई जगह मिल जाएगी आपको। फिर इस और अद्भुत नगर नियोजन की खास बात ये थी कि
प्लानिंग के साथ इन्होंने बसावट की। प्लानिंग के साथ मतलब यह है कि इन्होंने शहर जो बसाए थे या जो नगर इन्होंने बसाए हैं उनमें आपको एक जैसा जो है प्लान दिखाई देता है। आमतौर पर सभी नगर दो भागों में आपको बटे हुए मिल जाएंगे। मतलब हर नगर की ये एक खास बात थी कि उसमें एक इलाका निचला है और एक इलाका थोड़ा सा ऊंचा बसा हुआ है जिसको टीला कहते हैं, वो टीले पे बसा हुआ है। हमें ये आमतौर पर दिखाई देता है, ठीक है। तो एक भाग जिसे ऊंचा भाग कहते हैं, टीला वाला भाग, वो दुर्ग वाला भाग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें शायद शासक वर्ग रहता होगा, वीआईपी वर्ग रहता होगा, या जो लोग उस पूरे नगर को प्रशासित करते होंगे इस तरीके के लोग वहाँ पर रहते होंगे। हालांकि हम लोग कन्फर्म नहीं है, जो मैंने अभी आपसे कहा, अभी इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हमें कन्फर्म नहीं है। फिर इसके साथ दूसरा वाला भाग निचला भाग है। माना जाता है कि यहाँ पर आम लोग रहते थे, साधारण लोग रहते थे, ठीक है। ये पॉश एरिया हो गया, ये कॉमन मैन का एरिया हो गया। तो इस तरह से दो भागों में बसे हुए थे, दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े। और स्वाभाविक सी बात है कि शासन करने वाले लोग हमेशा से कम होते हैं और शासित होने वाले लोग हमेशा ज़्यादा होते हैं। किसी भी समाज में वीआईपी लोगों की संख्या हमेशा कम होगी, इसीलिए उन्हें वीआईपी कहा जाता है, और आम लोगों की जो संख्या होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है ना। तो दूसरे भाग में इसी प्रकार के आम लोग रहते थे, सामान्य नागरिक रहते थे, व्यापारी रहते थे, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक, इस तरह से आम लोग जिनको हम लोग कॉमन मैन कहते हैं वो वहाँ पर रहते होंगे, ऐसा हमने अनुमान लगाया है, कन्फर्म फिर भी नहीं, ठीक है। सड़कों के किनारे की नालियाँ, अब हम देखें कि जो हम उस बात कर रहे थे पर्यावरण के अनुकूल तो था ही, स्वास्थ्य के अनुकूल भी था। नालियाँ आपने देखा होगा भारत में कई जगह आपको खुली हुई दिखाई देती हैं, गंदगी हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, है ना, और वहाँ से लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कहीं मलेरिया है, कहीं हैजा है, अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन लोगों ने नालियाँ बनाई थी, और नालियाँ तो बनानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि अगर व्यक्ति घर में नहा रहा है या घर में जो पानी का उपयोग हो रहा है वो बाहर तो नालियों के माध्यम से ही निकलेगा। तो जो नालियाँ थी वो नालियाँ ढकी हुई, कैसे इन्होंने ये सारी चीज़ें की होंगी ये अपने आप में जानना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी, मतलब इनके द्वारा कहीं कोई गंदगी नहीं होती थी, ये खुली नहीं होती थी, और घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में जाता था। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, सिस्टम ऐसा बनाया था कि हर एक घर से जो पानी आता था वो नाली में आ जाता था, और ऐसे ही पूरे कॉलोनी में आसपास के एरिया की कुछ नालियाँ होती थी उनके माध्यम से पानी जो है एक बड़े से नाले में चलाया जाया करता था और वहाँ से वो पानी बाहर निकल जाता था। इस तरह का सिस्टम था, है ना। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। अब अगर आप देखोगे, है ना, तो आप देखो कि हड़प्पा एक अलग जगह है, मोहनजोदड़ो एक अलग जगह है, कालीबंगा तो राजस्थान में आ गया, है ना, वो दो तो पाकिस्तान में, ये तो भारत में है। अब तीनों अलग अलग, लेकिन तीनों के नगर योजना को देखें तो लगभग एक जैसा था, प्लानिंग जो है वो लगभग एक जैसी है। तो ये कैसे हुआ होगा, उस काल में इन्होंने लगभग एक जैसे नगर कैसे बसाए, क्योंकि कोई एक राजा के अंडर में तो ये सब आता नहीं था, कोई एक सरकार तो थी नहीं, पर फिर भी इन्होंने एक जैसे नगर बसाए हैं। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। इन्होंने जो ईंटें बनाई, आप सोचिए कि वो ईंटें पकी हुई थी, और कितनी पकी हुई थी, इतनी मजबूत थी कि हजारों साल बाद जब लोग वहाँ खुदाई कर रहे हैं और वहाँ से ईंटें निकाल के ले जा रहे हैं, तो उन्होंने उन ईंटों का प्रयोग अपने घरों में कर लिया। सीधे ईंटें निकाल के लोगों ने अपने घर बना लिए। कई सारे लोग, जब इस सभ्यता के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो ऐसे ईंटें वहाँ से निकलती रहती थी, तो उन ईंटों को निकाल निकाल के अपने घरों में ले जाके उन्होंने अपने घरों में यूज़ कर लिया। आप सोच सकते हैं तकनीक के बारे में, ईंटें इतनी पकी हुआ करती थी कि उन्होंने हजारों साल बाद भी लोगों के घर बना दिए, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिलेगा आमतौर पर। कालीबंगा और रंगपुर जो है वो अपवाद हो गए, बाकी तो ये भी अपने आप में, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, इसीलिए इनको नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता का जो कहा जाना है सही है, उसका कहने का कारण यही था, ठीक है। आमतौर पर घरों में भी आपको एक मिलेगा आर्किटेक्चर। हमारे यहाँ जैसे घर बनाए जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि लगभग लगभग हर व्यक्ति घर बनाता है तो उसके माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं कि
एक आंगन होना चाहिए, ठीक है, आंगन नहीं हो तो कम से कम कुछ स्पेस तो बाहर खुला हो, है ना, कॉरिडोर हो। इसके साथ ही आप देखोगे कि ड्राइंग रूम हो या कोई सिटिंग रूम हो, बेडरूम हो, ज़्यादा बड़ा परिवार है तो एक से ज़्यादा बेडरूम होंगे, छोटा परिवार है तो एक से दो बेडरूम होंगे, किचन होगा, और इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करते हैं। वैसा का वैसा आप देखें, उस ज़माने में भी लोगों ने जो घर बनाए उनमें आपको लगभग लगभग कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी। आंगन आपको मिल जाएगा, ठीक है, बैकयार्ड है, इसके साथ रसोई घर, किचन, सब घर में आपको मिल रहा है, स्नानागार, बाथरूम भी इन्होंने बनाया है। हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, आज भी कई लोगों के घर में नहीं है सारी चीज़ें, इन्होंने अपने घरों में बाथरूम बनाए हुए हैं। तो ये उस समय लगभग लगभग सभी घरों में आपको ये मिल जाएगा, और कई लोगों ने तो पानी के लिए व्यवस्था भी कर रखी है, अपने लिए उन्होंने स्वयं के व्यक्तिगत रूप से उपयोग के लिए कुएं भी घरों में खुदवाए हैं। आज भी आपने देखा कई लोगों घर में ट्यूबवेल होता है और वो वहाँ से पानी अपना निकाल लेते हैं, तो इन्होंने भी अपने घरों में कुएं खुदवा रखे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से उस काल में घरों का भी अपना एक आर्किटेक्चर दिखाई देता है। आ गई बात समझ में? अब ये तो कल्पना करना मुश्किल है ना कि उस काल में उन्होंने किचन के बारे में भी सोचा कि नहीं, एक खाना बनाने की जगह अलग होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अपने आप में एक अद्भुत नगर नियोजन माना जाता है। ये क्वेश्चन कई सारी एग्जाम में बड़ा कॉमन तरीके से पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी ये तो सब जानते हैं, पर ऐसा क्या खास बात था जो हमें उस चीज़ को जानने के लिए मजबूर कर देता है? तो इस तरीके का नगर नियोजन आपको मिल जाएगा। फिर नगरों को चारों ओर से जो है सुरक्षा देने के लिए, जैसे आमतौर पर आप देखो ना किला बनाया जाता है तो ऊंची ऊंची दीवार बनाई जाती है, किले की प्राचीर भी कहते हैं जिसको, तो इन्होंने ऊंची ऊंची दीवारें अपने नगर के आसपास बनाई और नगर को जो है पैक कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, ध्यान से समझो इस बात को कि मान लीजिए कि ये कोई शहर है, ठीक है, तो इस शहर को कवर करने के लिए इन्होंने आसपास ऐसी ऊंची ऊंची दीवार बना दी है और आने जाने के लिए ये एक रास्ता बना दिया। मतलब शहर में आप सिर्फ इस रास्ते से एंटर हो सकते हो, बाकी के ये रास्तों से आप नहीं आ सकते। इससे ये हो गया, एक तो आसपास के जो चोर डाकू टाइप के लोग हो सकते हैं वो कहीं से भी एंटर नहीं हो सकते, उनसे सुरक्षा होगी। दूसरा, एक ही दरवाज़ा होने से ये कि हर जो व्यक्ति नगर में एंट्री कर रहा है उससे उसकी पहचान ली जा सकती है। आजकल आधार कार्ड चलता है, उस समय आधार कार्ड तो नहीं हुआ होता होगा, लेकिन उस समय कम से कम ये तो पता चल जाता था कि जो व्यक्ति नगर में आ रहा है बाहर से कहाँ से आ रहा है ना। आप समझेंगे, इस तरीके से सुरक्षा भी मजबूत कर ली, अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी ना ये लोग थोड़ा सा इस, हालांकि कई लोग ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे शांति प्रिय लोग थे, ये वैदिक सभ्यता के लोगों की तरह नहीं थे जो युद्ध लड़ते थे, इलाकों के लिए लड़ते थे, गाय के लिए, पशुओं के लिए लड़ते थे, ना, इनका मामला ऐसा नहीं था, ये व्यापारी लोग थे, शांति प्रिय लोग थे। फिर भी चाहे कितने शांति प्रिय हो, सुरक्षा के लिए तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, और सुरक्षा नहीं तो कम से कम चोर डाकुओं से तो बचना ही पड़ेगा। तो इन्होंने इस तरीके की दीवार जो है अपने नगर के आसपास, किलाबंदी जिसको आप कह सकते हो, साधारण शब्दों में हम कहें तो अभी आप जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हो तब भी आपने पढ़ा होगा कि जो यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आती थी, चाहे पुर्तगाली हो, डच हो, ब्रिटिश हो, कोई भी हो, तो वो अपनी बस्ती बसाती थी और उसके आसपास किलाबंदी कर लिया करते थे, है ना। ऐसा सेंट फोर्ट जॉर्ज में आपने सुना होगा, फोर्ट विलियम में आपने सुना होगा, है ना, इस तरीके के किले ये लोग बनाया करते थे, वही किलाबंदी ये लोगों ने भी की। और उद्देश्य सीधा सा जो मैंने आपको बताया है कि नगर को चोरों से बचाना है, नगर को लुटेरों से बचाना है, और नगरों को बचाना है पशु दस्युओं से, मतलब वही जो इनके जानवरों को चुरा के ले जाते हैं या डकैती वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों से बचाने के लिए इन्होंने ये सब किया था। फिर कुछ इमारतें अगर आप देखोगे इस सभ्यता की, तो उन इमारतों की खास बात यह है कि वो बहुत बड़ी बड़ी है। इससे हमें एक अनुमान लगाया जाता है, लगाते हैं कि ये व्यक्तिगत तो नहीं हो सकती, ये सार्वजनिक होंगी, है ना। व्यक्तिगत रूप से आप जब कोई इमारत बनाते हैं तो उसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, है ना। लेकिन कुछ इमारतें हैं जिनका आकार बहुत बड़ा है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लोग घर बनाते हैं तो छोटे बनाते हैं, होटल बनाते हैं तो बड़ी बनाते हैं, कोई रिजॉर्ट है, होटल है, तो वो तो बड़ा ही होगा, इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो सार्वजनिक होते हैं। तो यहाँ कुछ इमारतें हैं जो सार्वजनिक है,
जिसे एक उदाहरण आपको मिलता है मोहनजोदड़ो की एक इमारत का, जिसको देख के हमें ऐसा फील होता है कि वो शायद एक स्नानागार था। मतलब वहाँ पर लोग सार्वजनिक रूप से नहाते थे। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, घरों में नहाने को छोड़ के वहाँ नहाने जाएंगे क्या? मतलब ऐसे डेली नहीं, किसी सार्वजनिक त्यौहार पर, पर्व पर, उत्सव पर। जैसे भारत में आपने देखा हो ना, कुंभ का मेला होता है तो हजारों लाखों लोग, आजकल तो करोड़ों में होने लगे, लाखों भी नहीं, वो उस इलाके में, उस क्षेत्र में जाके वहाँ एक साथ स्नान करते हैं। शाही स्नान भी होते हैं, कई प्रकार के और स्नान होते हैं, एक साथ नदियों में जो है डुबकी लगाते हैं। तो समय समय पर भारत में भी आपने देखा होगा कुछ पवित्र कुंड हैं, पवित्र तालाब हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ पर स्नान करते हैं। तो इस तरह का इन्होंने एक क्या बनाया था, सार्वजनिक रूप से एक इमारत बनाई, और उसको जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि स्नानागार होगा, क्योंकि अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां हैं और नीचे जो है एक बहुत बड़ा पानी भरने के लिए जो है स्टोर करने का इन्होंने बना रखा है, तो शायद वो स्नानागार रहा होगा। और किसी चीज़ के लिए क्या उपयोग होता होगा अभी तक हमें समझ में नहीं आया। हो सकता है, अब हमें कोई फोटो तो मिला नहीं है ना, हमारे पास ऐसा कोई पिक्चर तो है नहीं जिसको देख के बूम के नहाते हुए लोग दिख रहे हैं बहुत सारे एक साथ, कि शायद तो ये ऐसा कुछ। हमने अनुमान लगाया है कि स्नानागार है। तो ये हो गया मोहनजोदड़ो का आपका विशाल स्नानागार, जो कि सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है भाई। ठीक है, ये अपने आप में, क्योंकि बनाया बहुत व्यवस्थित तरीके से, नपातुला है ना। उसके साथ आपको मिलेगा अन्नागार, एक ऐसा जगह, एक ऐसी इमारत मिली जहाँ लगा जाते शायद बहुत सारा अन्न रखा जाता हो, अनाज रखा जाता हो, एक प्रकार से जो फूड स्टोरेज होते हैं ना, FCI के गोदाम को देखना कभी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम होते हैं वहाँ पर बहुत सारा हम लोग अनाज स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही कुछ स्टोर करने के लिए बनाया होगा, तो उसको हमने अन्नागार कहा। ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और इससे ये समझ में आता है कि इनका सार्वजनिक जीवन जो था वो भी समृद्ध हुआ करता था, वो भी काफ़ी अच्छा था। ठीक है, अब आगे चलें, मतलब इन लोगों ने पर्यावरण के लिए सोचा, इन्होंने सुरक्षा को लेकर सोचा, आप समझ रहे मेरी बात, इन्होंने समाज के लिए भी सोच लिया, इन्होंने खुद के लिए भी सोचा है। सैंधव सभ्यता के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सा प्रिवेसी को लेकर भी जो है, ठीक है, प्रिवेसी मतलब आप समझते हैं निजता, थोड़ा सा उसके लिए, हमारे यहाँ अनुच्छेद 21 में आपने सुना होगा राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार जिसे ना एक प्रकार से मौलिक अधिकार माना जाता है, तो इन्होंने अपनी प्रिवेसी के लिए भी जो है ध्यान रखा है और कहीं ना कहीं उसके लिए भी काम किया है। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ जो है वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, गलियों में खुलते थे। अब इसको समझो कैसे, ये है मुख्य सड़क और इस सड़क के किनारे बने हुए हैं ये घर, ठीक है, ये घर बने हुए, और इन घरों के जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं वो इधर सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, मतलब सड़क से तो ये पैक हैं, ये इस तरफ खुलते थे, ये इधर से एंट्री करेगा, ये इधर से करेगा, ये इधर से करेगा और ये इधर से करेगा, इस तरह से इनके दरवाजे खिड़कियाँ सड़क पे नहीं खुलते हुए गलियों में खुलते थे। आमतौर पर भारत में आजकल वर्तमान में जो भी घर बनाता है ना, तो आपने देखा होगा कि वो अपने घर पे रोड वहाँ से मेन एंट्री रखता है, मेन रोड की तरफ से। कई लोग तो दुकान बना लेते हैं और वहाँ से अपनी एक दुकान चलाने लगते हैं, ये भी आपको पता होगा है ना, कि लोग क्या करते हैं, दुकान बनाते हैं और उसको किराए पे दे देते हैं या खुद कोई दुकान खोल के बैठ जाते हैं। वैसे भी आप सब जानते होंगे कि जितने भी घर जो रोड के किनारे होते हैं, मेन रोड पर होते हैं, उनका जो कीमत होती है आम तौर पर वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बड़े महंगे होते हैं। इसीलिए महंगे होते हैं क्योंकि आप उस पर आजीविका भी चला सकते हो, आप वहाँ कोई दुकान निकाल सकते हो, कोई शॉप जो है आप किराए से दे सकते हो। तो इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी निजता को लेकर भी, ठीक है, सोचते थे, और इन्होंने इस तरीके से मुख्य सड़कों पर ना होते हुए गलियों में अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को खोला है। लेकिन इसका एक अपवाद है लोथल, आपको बस अपवाद ज़रूर याद रखना है क्योंकि अपवाद से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। लोथल में ऐसा नहीं है, लोथल में दरवाजे खिड़कियां सड़कों पर ही खुलते, मतलब ये हमारी तरह के सोच के लोग थे कि हाँ सड़कों पे खोलेंगे, दुकान निकालेंगे और किराए से दे देंगे, ठीक है। इसका अपवाद है वहाँ सड़क उस दरवाजे खिड़कियां सड़कों पे खुल रहे हैं। इसके साथ जो ईंट का इन्होंने प्रयोग किया है मकान बनाने में, घर बनाने में, भवन बनाने में, उनकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई का अनुपात भी लगभग लगभग एक जैसा था, ईंटें भी लगभग लगभग एक जैसी थी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 4:2:1, मतलब
ईंटों की लंबाई जो है वो, ये मान लीजिए कि कोई ईंट है तो ये हो गई इसकी लंबाई 4, इसकी चौड़ाई जो है वो 2 और इसकी मोटाई जो होगी थिकनेस वो 1 होगी। इस अनुपात में इन्होंने ईंटें बनाई थी, 4:2:1 में। तो ये आज भी ऐसी बनती है ईंटों की, अगर आपने कभी अपने आसपास देखी हो तो ईंट तो अभी भी ऐसी होती है, लंबाई में ईंट ज़्यादा होती है और चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है और मोटाई जो है उसकी लगभग उतनी ही होती है। इस तरह की ईंटें इन्होंने बनाई है, लंबाई से आधी चौड़ाई है और उससे आधी मोटाई है। ठीक है, लाइक भी कर दो यार सेशन को अगर आप देख रहे हो, और सेशन को अगर आप पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको और आगे भी चाहते हैं कि सीरीज़ चलती रहे, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना तो भूलना नहीं है, है ना। हमारा जो टारगेट था आज का, उतने हमारे पास अभी तक लाइक नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा और पुश करिए, कोशिश करिए कि कम से कम पहला सेशन है तो अप्रिशिएट करें इसको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की उनकी ईंटें हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों के बारे में। अगला सेशन जो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में। आज तो मैंने आपको थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता का जो परिचय है वो दिया है, मैंने आपको बताया है प्राचीन भारत का इतिहास आपको पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा या पढ़ना क्यों ज़रूरी है वो हमने देखा। अब जो अगला सेशन होगा हड़प्पा सभ्यता के अगले टॉपिक के तौर पर, हम इस सभ्यता के कुछ बड़े शहरों के और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को सिर्फ आज ही नहीं बल्कि इस सीरीज़ के आने वाले हर सेशन को इसी तरह से देखेंगे और रेगुलर रहेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना भूल जाइए कि आपको कभी भी कोई एग्ज़ाम क्रैक करने को मिलने वाला है। मेरी सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप किसी भी टीचर को देखिए, किसी भी सेशन को देखिए, पूरा करिए उसको बस, ठीक है, आधे अधूरे में नहीं छोड़िए। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। UPSC विद चंचल कुमार सर को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल चंचल कुमार सर ऑफिशियल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको इस सेशन की और बाकी सभी सेशन की PDF मिल जाएगी, नहीं मिली है तो भी मिल जाएगी, है ना। हम फिर मिलेंगे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन को देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।